आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल जहाँ मैथ्स मैजिक पे, जहाँ रखते हैं हम आपको प्रो सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो आज का डिस्ट्रिक्ट वाइज अपडेट में आपको 3-4 जिलों का हम अपडेट बताएंगे, बहुत ही शानदार अपडेट देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अपडेट ही बहुत ही शानदार अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं, और वो भी एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं, 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट का अपडेट आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट का अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ, हम सबसे पहले आपको पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ले चलते हैं और यहाँ से दे रहे हैं आपको अपडेट। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का अपडेट देख लीजिए, इसके बाद हम आपको फिर से अपडेट देंगे। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और वो अपडेट आपके काम का ही होगा। तो आइए सबसे पहले पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं क्या है अपडेट, पूरे अपडेट को समझते हैं। तो आइए सर देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में जो है ICDS पूर्णिया पालना घर क्रेच वर्कर और सहायक क्रेच कार्यकर्ता का भर्ती का नोटिस यहाँ पे निकल के सामने आ गया है। 3 नोटिस आपको यहाँ से दिखाई देगा, 3 फॉर्म दिखाई दे रहा है, एक में अप्लीकेशन फॉर्म है और एक में जो है ना डिटेल दिया गया है। तो आज का ही है ये अपडेट, 29/2/24। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक जिला में जिला पालना घर में सहायक क्रेच वर्कर और क्रेच वर्कर का भर्ती हो रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो मेरिट लिस्ट भी निकल के सामने आ रहा है। तो देखते हैं क्या है इसमें। अब देख लीजिए वही है, मानदेय सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, शैक्षणिक योग्यता भी वही है, स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, अनुभव में अगर आप आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल या कोई भी स्कूल का हो 3 साल का तो चलेगा। क्रेच वर्कर महिलाओं के लिए आरक्षित है, सहायक क्रेच वर्कर महिलाओं हेतु आरक्षित है और ये इंटरमीडिएट पे है। अगर हम बात करें इसमें तो सब कुछ सेम रहेगा और आपको यहाँ पे जो है ना ईमेल आईडी और जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पे आपको भेजना है। ईमेल आईडी पे भी स्कैन करके पूरे डॉक्यूमेंट को भेजना है और साथ में जो है ना जो एड्रेस दिया गया है उस पे भी भेजना है। आइए हम देखते हैं क्या है इसका ईमेल आईडी, क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, 15 दिन के अंदर आपको नोडल पदाधिकारी मिशन शक्ति सह जिला प्रोग्राम अधिकारी सखी वन स्टॉप सेंटर जिला कोषागार के सामने पूर्णिया 85-43-01 के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से भेजना है। ईमेल आईडी देख लीजिए dpoicds.purnia@gmail.com, ये इस पे आपको जो है ना भेजना होगा। ठीक है, तो ये अभी आप देख लिए पूर्णिया में जो है ना ये हो गया। इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसके नीचे है जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको बढ़िया से भर लेना है और भर के जो है ना आपको जो एड्रेस हम बताएँ उस पर आपको भेज देना है। क्लियर है? तो ये देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म यही है, 100 अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाइएगा सबको 100 अभिप्रमाणित कर लीजिएगा और इसको अच्छे से भर के तब स्कैन करके आपको ईमेल आईडी के माध्यम से भी भेजना है और वो डाक के माध्यम से भी भेजना होगा। ठीक है, दोनों काम करना पड़ेगा। चलिए, कहीं कहीं पर तो सिर्फ ईमेल आईडी से ही लेता है, कहीं कहीं पर डाक से लेता है, कहीं कहीं पर दोनों से ले रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का अपडेट, आपको पता लग गया कि क्या अपडेट आया है। और तीसरा फॉर्म भी देख लीजिए, सेम फॉर्म है, कोई मतलब नहीं बनता है इसका, लेकिन चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ विशेष दिया है क्या। तो इसमें बताया गया है कि कैसे इसमें जो है ना आपका सिलेक्शन होगा, ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, और सिंपल सी बात है कि इसमें जैसे ग्रेजुएशन पे है तो उसमें किस में कितना अंक रहेगा यही सब बताया गया है इसमें। 60% जो है ना आपका जो है ना पूरा का पूरा अधिकतम 60 इंटरमीडिएट शैक्षणिक योग्यता सहायक क्रेच वर्कर का इंटरमीडिएट से 60% अंक दिए जाएंगे। इसके बाद अगर आपके पास अनुभव है तो प्रत्येक वर्ष के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए ले चलते हैं आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और देखते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या है अपडेट। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर और वहाँ से देखते हैं क्या अपडेट निकल के सामने आया है। तो अभी ले चल रहे हैं आपको हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट, यस चलिए सबसे पहले हम कटिहार का आपको दे देते हैं अपडेट। ठीक है, अगर आप कटिहार जिला से हैं तो यहाँ पे भी बहुत ही शानदार अपडेट निकल के सामने आया है और बहुत सारा अपडेट आपको बताएंगे। कटिहार में पहले देख लेते हैं क्या है अपडेट, फिर हम आपको नेक्स्ट अपडेट बताते हैं। चलो तो नोटिस पे चलते हैं, ये तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार, यस यहाँ से देख लेते हैं नोटिस से भर्ती पे क्लिक कर लीजिए। और ये देखिए कटिहार में जो है पुलिस लाइन एवं समरणालय परिसर में पालना घर के संचालन हेतु संविदा आधारित नियोजन हेतु, तो यहाँ भी देख लीजिए पालना घर का जो है ना आ गया है वैकेंसी। तो अगर आप कटिहार जिला से हैं तो देख लीजिए एक बार वैकेंसी कैसे भरना है, कैसे भेजना है। तो इसका बस ईमेल आईडी नोट कर लीजिए और एड्रेस नोट कर लीजिए, सब कुछ सेम है, फॉर्म भी इसके नीचे लगा हुआ है तो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा।
और आप उसका प्रिंट निकाल के आपको भेज देना है, ये देख लीजिए पूरा का पूरा, और 13 मार्च तक इसमें भेज देना है आपको, ठीक है। और ये है DPO स्लैश है, क्या है DPO, इसके बाद वो डॉट दिया हुआ है katihar@yahoo.in पे आपको भेजना है। और अगर हम एड्रेस की बात करें तो जो समरालय है कटिहार, वहाँ भेजना है आपको, डाक के माध्यम से जिला प्रोग्राम कार्यालय ICTS समरालय कटिहार में जमा करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नोटिस है, और तो आप देखें कि पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, तो ये आपका फॉर्म है, इसको अच्छे से डाउनलोड कर लेना है और इसको भेज देना है। अब हम आपको नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर ले चलेंगे और जहाँ से दिखाएंगे कि और इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग नोटिस निकल के सामने आ रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट, इसके बाद जिला पालना घर का आ रहा है। तो आइए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर ले चलते हैं आपको, और ये है आपका खगड़िया। तो देखते हैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में क्या नोटिस निकल के सामने आया है। एक चीज़ आप गौर किए होंगे, कटिहार और खगड़िया का नोटिस साथ साथ ही आते रहता है, ठीक है। तो आइए नोटिस देखते हैं यहाँ से, खगड़िया और कटिहार, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या नोटिस निकल के आया है, तो यहाँ पे 3-4 नोटिस है। एक तो है महिला बाल विकास जिला पालना घर के अंतर्गत निकाली गई विज्ञापन जो था, उसकी जितने लोग फॉर्म भरे हैं उनका जो स्वीकृति मिला है, जिनका जिनका एक्सेप्ट हुआ है फॉर्म, उन सबका लिस्ट आ चुका है। तो खगड़िया में जो है ना लिस्ट आ चुका है, अगर आप फॉर्म भरे हैं डिस्ट्रिक्ट हब एंड एम्पावरमेंट ऑफ व्यूमेन, वन स्टॉप सेंटर, जिला पालना घर, तो ये सब का लिस्ट आ चुका है, और इस लिस्ट में आपका नाम होगा। एक बार नाम चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं को आप इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। तो ये देख लीजिए, पालना घर में जो फॉर्म भरे थे क्रेच वर्कर, उन सबका नाम यहाँ पर दिख रहा है, सहायक क्रेच वर्कर उनका भी नाम दिख रहा है। इसके बाद आपको हम दिखा देते हैं वन स्टॉप सेंटर में भी जो फॉर्म भरे थे उनका भी नाम दिया हुआ है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हब एंड एम्पावरमेंट ऑफ व्यूमेन में जो भरे थे उनका भी नाम दिया गया है। सबसे ज़्यादा नाम जो है ना MTS में आया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग MTS का फॉर्म भरे हैं। और यहाँ पे बता दिया गया है अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, तो लगभग के पास अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, और महिला हेतु आरक्षित है तो पुरुष भी भर दिए, ठीक है। तो ये गलत बात है भाई, ठीक है, आप सही से वीडियो नहीं देखते हमारा क्या, क्योंकि जो महिला हेतु है उसमें पुरुष को नहीं भरना था, तो उनका तो रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोटिस में देख लेते हैं, नेक्स्ट नोटिस जो है ये है वन स्टॉप सेंटर, ठीक है, महिला बाल विकास वन स्टॉप सेंटर में देखिए सबका लिस्ट में नाम आ गया है, और सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा। हम आपको रखेंगे पूरा अपडेट, जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट का अपडेट आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। तो ये देख लीजिए वन स्टॉप सेंटर में जो बाहरी निकला था यहाँ पे, उसमें जितने लोग फॉर्म भरे हैं उनका नाम यहाँ पे आपको लिस्ट में मिल जाएगा। जैसे केंद्र प्रशासक के लिए देखिए कितने लोग हैं, इसके बाद जो है ना इसमें ये देखिए नूतन कुमारी है, श्विटी कुमारी है, सब ये केंद्र प्रशासक के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए सब सब में है, ये अंशकालिका के लिए जो है वो है, ठीक है। इसके बाद लेखाकार जो है उसके लिए है, जो भी लोग फॉर्म भरे थे वो सबका लिस्ट आ चुका है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फिर लाइक करने से मेरा हौसला बुलंद होता है। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे इसमें लिस्ट में है बहुत सारा है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ना लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट देते रहेंगे, रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। ये देख लीजिए यहाँ पे हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ व्यूमेन में जो निकाली गई थी भर्ती, उसमें जितने लोग अप्लाई किए थे उन सबका लिस्ट आ चुका है। तो आप आके वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट देते रहेंगे, रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। चलिए तो यहाँ पे आप देख लीजिए विज्ञापन संख्या 124 में जितने भी लोग फॉर्म भरे थे, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं ना कि इसका लिस्ट बहुत बड़ा है, तो आप एक बार देख लीजिएगा बाय द वे। और यहाँ पे बताया गया है कि आपत्ति अगर आपको दर्ज करना है तो 1-3 से लेके 2-3 तक कर सकते हैं, 1 मार्च से 2 मार्च तक। यहाँ देखिए राधा कुमारी, रेखा कुमारी, सरोज कुमार, रूपेश, ये सब का नाम है, बहुत सारा बड़ा लिस्ट है, 17 पेज का है, तो एक एक का पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आप फॉर्म भरे थे खगड़िया में तो, ठीक है। चलिए तो एक बार पुनः जो है ना जितने लोग फॉर्म भरे हैं सबको बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप कि बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो, और ऐसे ही जो है ना आपको हम अपडेट देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो पहुंच सके। ऐसा बहुत सारा वीडियो होता है जो हो सकता है कि आपके लिए नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि आपके कोई अपने हो जिसके लिए वो वीडियो हो, तो वीडियो प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है,
कि जो वीडियो लगे आपके लिए नहीं है और किसी के लिए, तो ज़रूर शेयर कर दिया। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग जहा मैथ्स मैजिक, एंड आई होप कि वो जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए। और हम आपको रखेंगे हमेशा प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग जहा मैथ्स मैजिक वंस अगेन एवरी वन, थैंक यू।